मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला, तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली है, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं, लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला, मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे लोगों नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें, यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान? आज आपने परवेज इलाही को 183 मेंबरान है PTI के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये PTI है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट MNA के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान? ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी? ये आप कौम को दिखा रहे हैं? सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं, परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल चुकी जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता हूँ चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसमें जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी कहें गद्दार? कौन है गद्दार चीमे को भी? हम तो गद्दार बन गए। तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो, कहो।